गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 8th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे दो पार्ट में हम आज आपको समझाएंगे। वन पार्ट अभी समझाऊंगा और उसके बाद सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का चैप्टर है इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो आप लोग जैसे जानते हैं बेटा, जो आप कॉपी आप लोग यूज़ करते हैं अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में, तो वो नोटबुक जो है वो बनती कैसे है, उसका प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी लंबी होती है। पेड़ों को जब काटा जाता है, उसके छाल को हटाने के बाद उस पेड़ की जो लुगदी है, पल्प है, वो वुड पल्प के रूप में जो है इंडस्ट्री में जाता है, मशीनरी में, पल्प इंडस्ट्री। और वहाँ वुड पल्प को जो है केमिकल्स से मिक्स करने के बाद उसको जो है पल्प बनाया जाता है, जिससे कि आपका पेपर तैयार होता है। और उस पेपर पर केमिकल का यूज़ करके इंक बनाई जाती है, स्याही बनाई जाती है, और उससे उस पर लाइनिंग खींची जाती है। लाइनिंग बनने के बाद फिर वो उसे बॉन्ड करने के बाद, बांधने के बाद, वो नोटबुक जब तैयार हो जाती है तो मार्केट में आपके पास आ जाती है और आप उन्हें यूज़ करते हैं ख़रीद करके, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग जो है, जो शुरुआत जहाँ से हुई, ये पूरा जो है इंडस्ट्री है, उद्योग, और इसकी शुरुआत जो है रॉ मटेरियल से हुई। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो है आपका पेड़ या वृक्ष, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री जो है, उद्योग किस तरह से प्रोसेस होता है, उद्योग का मतलब किस तरह से उद्योग जो है वो पनपता है, किस तरह से उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को चेंज करके जो है उसे प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। रॉ मटेरियल को चेंज करने के बाद उसे प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है, जिसमें टू स्टेजेस होती है, ठीक है। टू स्टेजेस होती है और दो स्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो है वो पेपर से जो है पल्प बनता है, या क्लोथ अगर बनाया जाता है तो वो किससे बनता है, कॉटन से बनता है। दो स्टेजेस होगी, तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंड एक्टिविटी में आता है, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उससे कोई भी जो कपड़ा तैयार होता है कॉटन की अगर बात करने लगे, या पल्प से जो है वो लुगदी, सॉरी पेड़ के पल्प से लुगदी से जो है पेपर तैयार होता है, ठीक है। ये दोनों जो स्टेजेस हैं, दोनों स्टेजेस में क्या होता है, दो स्टेजेस बताइए, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल के द्वारा जो मतलब उसको प्रोसेस किया जाता है। लेकिन जब तक प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, जो वस्तु तैयार होने के बाद आपके हाथ में आता है, तो वो जितनी स्टेजेस से गुजरता है उसमें वो वैल्यू एडिड होती चली जाती है, वैल्यू ऐड की जाती है। वैल्यू मीन्स जो आपके प्राइस है उस वस्तु के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनने में, उस प्रोडक्ट को पूरा तैयार होने तक जितनी स्टेजेस से उसको गुजरना होता है, उसमें वो वैल्यू ऐड होती चली जाती है, ठीक है। रॉ मटेरियल का फैक्ट्री तक पहुंचना, इंडस्ट्री और उसमें मशीनरी में या इंडस्ट्री में उसका तैयार होना, प्रोसेस होना, उसमें वैल्यू ऐड होती है। उसके बाद जब प्रोडक्ट जो है मार्केट में आता है, तो उससे पहले ट्रांसपोर्ट जो है, या सर्विस प्रोवाइडर जो इंडस्ट्री होती है आप तक जिस उस माल को पहुंचाती है, तो उसमें भी उसको वैल्यू ऐड होती है। तो प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाती है, उसमें ऐड होती चली जाती है, इसे हम कहते हैं वैल्यू एडिंग, ठीक है। इन तमाम तरह की जो है स्टेजेस, उनको क्रॉस पास करने के बाद ये आपके हाथों में प्रोडक्ट पहुंचता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप। भाई आप जानते हैं, कोई भी इंडस्ट्री यदि लगाई जाती है तो पैसा कमाने के उद्देश्य से ही लगाई जाती है, ठीक है। अब वो इंडस्ट्री भी कई तरीके की होती है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यदि प्रोडक्शन की हम बात करने लगे, जैसे मान लीजिए आयरन इंडस्ट्री है, तो आयरन इंडस्ट्री में क्या होता है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी माल जो बनता है आयरन से, जो है वस्तु दूसरी बनती है, या दूसरे बाकी के प्रोडक्ट जो हैं, बाकी जो इंडस्ट्री है वो आयरन इंडस्ट्री पर ही डिपेंड होती है, ठीक है। और यदि मैं बात करने लगूँ कोल माइनिंग इंडस्ट्री, तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री में आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, यानी कोयले का निष्कर्षण करना, कोयले को जमीन से निकालना, माइनिंग करना। माइनिंग मीन्स
जो खदान होती हैं, खान, कोयले की खान सुना है आपने, तो उसमें खोद करके कोयले को निकाला जाता है, इसे माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग क्या होता है, कोयले को निष्कर्ष किया जाता है यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये भी एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। और दूसरा, तीसरा जो है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री जो आती है वो सर्विस प्रोवाइडर में आती है, यानी वो आपको सर्विस प्रदान कर रहे हैं, मगर आता वो भी इंडस्ट्री में ही है और उससे भी पैसा कमाए जाते हैं, वो भी इकोनॉमिकल दृष्टि से आपसे पैसा ही लिया जाता है, आपसे पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो टूरिज्म यानी पर्यटन, पर्यटन मीन्स जिसमें आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, कहीं दूसरी जगह आप सफ़र करते हैं, मनाली या हिमाचल कहीं भी आप जाते हैं, तो वो टूरिज्म में आता है, तो वो भी एक इंडस्ट्री मानी जाती है और उसमें भी पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। इंडस्ट्री जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री का जो वर्गीकरण है वो रॉ मटेरियल पर आधारित है। तीन चीज़ें हैं जिन पर ये इंडस्ट्री हमारी आधारित है, बेस है। पहला है रॉ मटेरियल और दूसरा है साइज, यानी रॉ मटेरियल के आधार पर, साइज के आधार पर एंड ऑनरशिप के आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल के आधार पर। तो रॉ मटेरियल में भी फोर स्टेज होते हैं, चार चीज़ों पर, फोर टाइप की होती है ये। एक तो एग्रो बेस्ड, दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तीसरा मरीन बेस्ड इंडस्ट्री और चौथा आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल में भी चार टाइप होगी, फोर टाइप की होगी। एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, उसमें प्लांट एंड एनिमल का जो है यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में या फूड प्रोसेसिंग की तरह, जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट है, लेदर इंडस्ट्री है, इनमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है फिनिश्ड आइटम को बनाने के लिए। तो ये किस पर आधारित हो गया, एग्रो बेस्ड यानी ऑर्गेनिक, जैसे कहते हैं खेती से संबंधित, ठीक है। दूसरा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल का मतलब है जिसमें आता है मिनरल ओर्स यानी कि जो अयस्क होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, लोह अयस्क, लोहे को बनाने के लिए उसका कच्चा माल जो होता है वो लोह अयस्क कहलाता है, यानी लोहा जो है, आयरन जो है हमारे हाथों में जो आता है वो पूरी तरह से तैयार लोहा नहीं होता है, वो पहले ज़मीन से उसको निकाला जाता है, तब वो कच्ची अवस्था में होता है, रॉ मटेरियल के रूप में होता है, जिसको जो है गलनांक पर यानी जो भट्टी में गलाने के बाद, पकाने के बाद जो है तैयार इस्पात के द्वारा लोहे को बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, उससे फिर लोहे की दूसरी मशीनरी या कुछ और दूसरे उद्योग जो है जो लोहे इंडस्ट्री पर, आयरन इंडस्ट्री पर आधारित होते हैं, यानी कोई भी इंडस्ट्री अगर हम बात करने लगे तो मशीनों से चलती है, और मशीनें किससे बनती है, वह आयरन से बनती है। तो अगर दूसरे शब्दों में हम कह सकें, आयरन जो इंडस्ट्री है वो रीढ़ की हड्डी है तमाम इंडस्ट्री की, बैकबोन है किसकी, तमाम इंडस्ट्री की। तो रॉ मटेरियल के रूप में जो है आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि मिनरल है ये, खनिज है ये, जमीन से निकाला जाता है कच्ची अवस्था में, और इससे फिर दूसरे जो है इंडस्ट्री डिपेंड होती है, इसमें हैवी मशीनरी होती है, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे के कोचेज, रेलवे के डिब्बे जो होते हैं, ये इस तरह की तमाम चीज़ें जो लोहे से बनती है, लेकिन पहले उसे रॉ मटेरियल के रूप में जो है वो धरती से निकाला जाता है, ठीक है। तीसरा आता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि समुद्र संबंधित, सी फूड, जैसे सी फूड हो गया, फिश हो गया, इनके फूड को प्रोसेस किया जाता है और मछली के तेल का भी उत्पादन होता है, ठीक है। ये जो है समुद्र से संबंधित, सी फूड संबंधित जो भी चीज़ आती है वो इंडस्ट्री जो है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होती है। ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती हैं फिश, और फिर उनके फूड को प्रोसेस करने के बाद जो है डिब्बे में पैक करके या उसके बनाए हुए आइटम जो है वो मार्केट में आते हैं, ठीक। फोर्थ आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यानी जंगलों पर आधारित जो इंडस्ट्री होती है, जंगलों से हमें क्या कच्चा माल मिलता है, जैसे पेपर, आपको पता है अभी वृक्ष जो मैंने समझाया था कि पेपर से ही जो आपकी कॉपी नोटबुक बनती है, वो रॉ मटेरियल जो होता है पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, जिनकी छाल से या वुड से जो है पेपर बनाया जाता है। तो रॉ मटेरियल वो कहाँ से मिला, जंगल से मिला। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स होता है, यानी कि जो औषधि संबंधी दवाइयाँ जो बनती है, हर्ब्स, वो जंगल से प्राप्त की जाती है, वो भी एक रॉ मटेरियल के रूप में होती है। फर्नीचर, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, जंगल से मिलती है। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका, लकड़ियाँ होगी जंगल की। और बिल्डिंग्स के जितने भी सामान जो है, बिल्डिंग में लकड़ी से जो चौक दरवाजे बनते हैं, विंडो बनती हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो हो गया वो जंगल हो गया, जंगल के पेड़ हो गए, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ये हो गया, ठीक। तो मैंने बता दिया आपको इंडस्ट्री तीन चीज़ों पर बेस, तीन चीज़ों पर बेस पर आधारित है।
एक तो रॉ मटेरियल बता रहा था। रॉ मटेरियल जो है वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। तो रॉ मटेरियल के बाद दूसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्री का साइज, आकार के आधार पर भी, यानी साइज जो है इंडस्ट्री कितने किस तरह के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या फिर लार्ज स्केल, ठीक है। इंडस्ट्री भी 2 प्रकार की होती है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अगर उसमें कैपिटल कम लगाई जाएगी, इन्वेस्ट की जाएगी, कैपिटल मीन्स पूंजी या पैसा, कम पैसा लगाया जाएगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी, और अगर ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा तो वो जो है बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री मानी जाएगी। दूसरी चीज़ उसमें ये भी देखा जाएगा कि उसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, अर्थात लेबर कितनी काम कर रही है, ठीक। फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का आकार कितना बड़ा है, क्या छोटे स्तर पर माल तैयार किया जा रहा है या बड़े स्तर पर, काफ़ी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें क्या होता है, जैसे कॉटेज या हाउस होल्ड, किसी अपने घर में ही छोटे मोटे इंडस्ट्री लगा लेते हैं लोग, जैसे हाथ से बनने वाली चीज़ें, जैसे बास्केट वीविंग टोकरियाँ बनाते हैं, पोटरी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प कला जो होती है, ठीक है, ये छोटे इंडस्ट्री में आती है जिसमें कम अमाउंट में, लेस अमाउंट होता है कैपिटल का, यानी लेस अमाउंट कैपिटल होती है, अर्थात पूंजी कम लगाई जाती है और घर में ही उस इंडस्ट्री को चलाया जाता है। दूसरा, उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि घर में जो इंडस्ट्री चलाई जा रही है उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ होगी, ठीक है। और लार्ज स्केल की बात करने लगे इंडस्ट्री की, तो उसमें पूंजी भी ज़्यादा लगेगी, कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी, हैवी मशीनरी का यूज़ किया जाता है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी प्रोडक्शन भी ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा, माल ज़्यादा मात्रा में तैयार किया जाएगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल जो कंपनी होती हैं वो बड़े स्तर की कंपनी होती है, पैसा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लेबर लगती है, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, हैवी मशीनरी है, बड़ी बड़ी मशीनें जो बनाई जाती है उसमें आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता होगा, कितना पैसा लगाया जाता है, और उसमें लेबर ऑफ नंबर ऑफ लेबर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह की मैंने आपको बताई इंडस्ट्री जो साइज के आधार पर है। तीसरा आता है ओनरशिप, ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार, मालिकाना हक के आधार पर, यानी इंडस्ट्री जो है वो जो डिवाइड की गई है वो चार चीज़ों में डिवाइड की गई है, एक तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर की यदि हम बात करने लगे तो प्राइवेट सेक्टर में कोई अपना आप ही स्वयं अपना पैसा लगा करके उसका मालिक हो सकता है, या उसमें 1 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं, या 2-4 लोग भी हो सकते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो है टोटली जो पूरी तरह से वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट की ही वो शाखा होती है, गवर्नमेंट का ही उपक्रम होता है, तो उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, ठीक। पब्लिक सेक्टर की जो एग्जांपल है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर में आती है। दूसरा जॉइंट सेक्टर क्या है, जॉइंट सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलकर रहते हैं, दोनों का ही मिलजुल कर रहते हैं, दोनों का ही काम होता है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलकर के उसमें अपने जो है हिस्सेदारी होती है, पब्लिक सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी, ठीक है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। और चौथा आता है कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है 1 से अधिक लोग जो है सामूहिक रूप से उसमें इंडस्ट्री में शामिल होते हैं, उसमें मालिक भी होता है और काम करने वाले मजदूर का भी शेयर होता है, हिस्सा होता है, वो खुद भी शामिल होते हैं, ठीक है, उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। जैसे आनंद मिल्क और सुधा डेयरी जो है ये एग्जांपल हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, ठीक। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कोई भी इंडस्ट्री जो है उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, कोई भी इंडस्ट्री कैसे मतलब इंडस्ट्री बन सकती है, वहाँ लगा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए होंगे, ठीक है, उसे एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहली जो चीज़ है, ये बीच में आपकी इंडस्ट्री बनी हुई है, कोई उद्योग है, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको पता ही है, रॉ मटेरियल, यानी कोई भी चीज़ अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे आप, तो इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, यानी आप जो चीज़ बनाने वाले हैं उस चीज़ को बनाने के लिए कच्चा माल क्या है। यदि आपको जूते बनाने हैं, शूज़ बनाने हैं, तो शूज़ किससे बनते हैं आपको, चमड़े से, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका, चमड़ा या लेदर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या, रॉ मटेरियल। या कपड़ा बनाना है आपको, कपड़े की टेक्सटाइल का मिल बनाना चाहते हैं आप, टेक्सटाइल मिल जो है इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो कॉटन होगा, ठीक है, कपास होगा,
कपास से ही जो है कपड़ा बनाया जाता है। या मैं कहने लगूँ पेपर, जो एग्जांपल आपको दिया शुरुआत में, पेपर यदि मैं बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, पेड़ होंगे, उन पेड़ों को काट करके जो है उनसे पेपर के लिए लुगदी अप्पल बनाया जाता है। तो सबसे पहले चीज़ क्या होगी, रॉ मटेरियल। दूसरा आता है लेबर, कितने लोग जो एम्प्लॉय आप दे सकते हैं, उनकी वो लोग मिल सकते हैं क्या आसपास, जहाँ भी आप इंडस्ट्री लाएंगे वहाँ लोग इतने मिल सकते हैं या नहीं काम करने वाले, तो ये चीज़ देखी जाती है। दूसरा कैपिटल, पूंजी, पैसा लगाना है आपको तो पैसा लगाने, पैसा आपके पास होना चाहिए। तीसरा वो मार्केट, यानी आप जहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्या वहाँ पर इसकी अच्छी मार्केट है या नहीं है। मान लिया आपने किसी चीज़ की इंडस्ट्री लगाई, प्रोडक्शन आपने शुरू कर दिया, अब उस पता लगा कि उसकी मार्केट कहीं है ही नहीं, कोई इसको माल खरीद ही नहीं रहा है, या आसपास की मार्केट में भी माल नहीं बिक रहा है, तो उसके लिए ऐसी मार्केट होना जरूरी है जहाँ पर आपका माल वो आसानी से बेचा जा सके। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। अब मान लीजिए आपने सब कुछ माल तैयार कर लिया, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन तैयार हो गया, अब उन्हें सही जगह पर पहुँचाना है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट जो है ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन सही जगह हो। अर्थात मान लीजिए अगर आपने अगर किसी गांव में इंडस्ट्री खोल ली, तो गांव से माल जो है शहर तक पहुंचाने के लिए पता चला कि रोड ही सही नहीं है, कच्चे पक्के रोड, कैसे माल पहुंच पाएगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो सुविधा है वो अच्छी हो, आसानी से आप सीधा हाईवे से जुड़े और हाईवे से किसी भी देश के किसी भी कोने में पहुँच सके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर लैंड, ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर आप इंडस्ट्री को लगा सकते हैं, और पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी जो उस इंडस्ट्री में चाहिए चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है जो किसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दर पर बिजली दे देती है, या ट्रांसपोर्ट सुविधा जो है उसमें थोड़ी सी रियायत बरतती है, ताकि उस इंडस्ट्री को या वहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिल सके या वहाँ इंडस्ट्री जो है स्थापित की जा सके, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्री सिस्टम। अब इस इंडस्ट्री सिस्टम में होता क्या है, यानी हम जो हैं दो चीज़ें काम करती हैं इसमें, तीन चीज़ें, इनपुट्स, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, लगा क्या रहे हैं। इनपुट में हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल लगता है, लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, और प्रोसेसिंग में ये होता है यानी हम ये सब चीज़ें लगाते हैं किसी चीज़ को बनाने में, सब चीज़ों का लगता है, लेबर भी लगती है, पैसा भी लगती है, ज़मीन, ये सब जो है हमारे इनपुट हो गए, ठीक है। किसी चीज़ को हम उसमें जो है इनपुट, जैसे कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कि इनपुट में आप क्या दे रहे हो और आउटपुट से निकल क्या रहा है, ठीक है। तो इनपुट में हम क्या देते हैं, रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, लेबर भी लग रही है हमारी, लैंड भी है, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, पावर भी है, ठीक है। और प्रोसेस में क्या है कि इन सबको लगाने के बाद जब उसको माल को तैयार किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस वो प्रोसेसिंग में आ गया। प्रोसेसिंग क्या होता है, रॉ मटेरियल से माल को जो है कन्वर्ट करके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि उस माल को तैयार किया जाता है, ठीक। और आउटपुट हमारा क्या है, माल तैयार होने के बाद आउटपुट हमारा ये होगा, उस माल से जो अर्निंग मिलेगी, जो कमाई मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, वो हमारा आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा है इंडस्ट्री सिस्टम हो गया, ठीक। अब इंडस्ट्री रीजन, औद्योगिक क्षेत्र, आपने देखा होगा कि बहुत से जो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाते हैं, हमारे इंडिया में भी कहलाए जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, वो एरिया तब कहलाते हैं जब बहुत सारी एक साथ कई इंडस्ट्री जो है आसपास एक दूसरे के नज़दीक हो। उससे होता क्या है कि आसपास की जितनी भी इंडस्ट्री है वो एक दूसरे से बेनिफिट्स लेते हैं। किस प्रकार के बेनिफिट्स, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई कच्चा माल है, ठीक है, आपने टेक्सटाइल मिल लगा रखी है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप कपास लेना चाहते हैं, कॉटन लेना चाहते हैं, तो हो सकता है बराबर में थोड़ी दूरी पर उस मिल में वो कपास जो है आ रही है, तो वहाँ से वो माल मिल गया, ठीक। किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में जो कोल आ रहा है, तो कोल मिल गया आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है, यानी वो चीज़ें जो आसानी से आपको एक दूसरे से मिल जाए, या ऐसी जगह जहाँ से सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए। ज़्यादातर ये इंडस्ट्री जो होती है वो टेम्परेट जोन में होती है, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। फिर उसके आसपास सी पोर्ट होना ज़रूरी है, समुद्री बंदरगाह, बंदरगाह मीन्स जहाँ से माल को लोड करके एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई माल तैयार कर लिया, तो बड़े बड़े आपने कार्गो देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, उन कार्गो से बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं वो सीधा पानी के जहाज़ में लोड किए जाते हैं, और वो जहाँ वहाँ से दूसरे देशों तक या देश के दूसरी जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। तो वो नज़दीक में सीपोर्ट हो, या कोल फील्ड, कोयले की खदान हो, जहाँ से एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए आसानी से कोयला उपलब्ध हो पाए, ठीक है। इन ऐसे एरियों में जो है ये इंडस्ट्री तमाम स्थापित होती हैं। आसपास क्या इंडस्ट्री होती है, उनसे भी कुछ और ज़रूरत होती है जो एक दूसरे से ले लेते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री हैं कुछ जो मेजर नाम दिए गए हैं उनमें, इंडस्ट्री में ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक है।
और अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, ठीक है, ये जो क्षेत्र कहलाते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा, ये पॉइंट यहाँ ख़त्म होता है। जो बाकी जो चैप्टर का बाकी हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।